झारखंड में बिजली की दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी से आम लोगों पर काफी भार पड़ रहा है। राज्य में घरेलू बिजली की दरों में 98% की बढ़ोतरी कर दी गई है। 1 मई से ग्रामीण इलाकों में बिजली की दर प्रति यूनिट 1.25 रुपए से बढ़ाकर 4.40 रुपए कर दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में सभी उपभोक्ताओं के लिए 5.50 रुपए तय कर दिए गए, जो अब तक 2.90 रुपए थे। आम आदमी अब इसे सरकार की ओर से डाला गया बोझ बता रहे हैं। मानी कि अगर जो लोग कॉमन आदमी हैं, उन लोग के लिए तो वो बहुत बड़ा भार हो जाएगा, क्योंकि बिजली का दर सब जब बढ़ रहा है, माने बढ़ेगा। अभी हम लोग का बिजली जो आता है वो हम लोग के लिए बहुत भारी पड़ता है पे करने के लिए, और अगर उतना बढ़ जाता है उसके बाद तो हम लोग कॉमन आदमी के लिए तो बहुत ही ज्यादा ही दिक्कत है, क्योंकि दुगुना हो जाएगा। बिजली की दर में बढ़ोतरी करने के फैसले से जहां आम आदमी पर बोझ पड़ा है, वहीं उद्योगों के लिए दी जाने वाली बिजली को रियायत मिलती नजर आ रही है। औद्योगिक क्षेत्र को दिए जाने वाली बिजली की दरों में केवल 7% तक का ही इजाफा किया गया है, जबकि किसानों को दिए जाने वाले बिजली के दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी करते हुए 70 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति यूनिट कर दिया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री रघुवर दास की ओर से निर्बाध बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने की बात कही गई है। हमने तय किया कि 0 कट बिजली होगा और इस दिशा में अंडरग्राउंड के काम चल रहे हैं। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, जनता को थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन बड़े काम के लिए छूट हमको बर्दाश्त करना होगा, और आप अगस्त तक पूरे रांची में अंडरग्राउंड केबलिंग हो जाएगी। थोड़ा 1-2 महीना भी गर्मी में थोड़ी तकलीफ हो रहा है, मैं जनता से क्षमा मांगते हो। गरीब लोग हैं जो 200 यूनिट से कम जलाते हैं, उनको जो सुविधा देना चाहिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उसकी भी घोषणा हो जाएगी, और जिनकी भी गरीब और गांव में रहने वाले जो घरेलू उपभोक्ता हैं 200 यूनिट से कम जलाते हैं उनको तुरंत राहत पहुंचेगी। वहीं रघुपर सरकार के विपक्षी दलों ने बिजली में बढ़ोतरी को मुद्दा बताते हुए सरकार के विरुद्ध सड़कों पर उतरकर आंदोलन की घोषणा की। एक तो बिजली रहती नहीं, बिजली की हालत जो देख रहे हैं कि इस मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना पड़ रहा है बिजली को लेकर के, और उस तरह जिस तरह से बढ़ाया गया है तो आम आदमी से बिजली दूर होता जा रहा है, फिर ढिबरी युग में सरकार ले जाने के प्रयास में है। यही सरकार करे कि हम विकास करेंगे, कैसा विकास है। हमारे सारे प्रखंडों में बिजली बढ़ोतरी के प्रस्ताव के खिलाफ आंदोलन हो चुका है, और आगे भी सरकार सुनने वाली नहीं है। सरकार सुन कहां रही है, आंदोलन तो बहुत चीज पे हो रही है और आगे भी करेंगे आंदोलन, इसको लेके जनता के भी जाएंगे। आम आदमी की सरकार का दावा करने वाली रघुपर सरकार के इस कदम से आम आदमी और कारोबारी दोनों को मार पड़ी है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने जिस तरह की सिफारिशें की हैं, उससे लगता है कि आम जनता की महंगाई से कमर तो टूट ही रही है, बिजली रानी भी अब परेशान करेगी। बढ़ती हुई महंगाई और बिजली की दरों में बढ़ोतरी, दो तरफा मार निश्चित रूप से जनता को भारी पड़ेगी। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ अशोक कुमार, APN रांची।